नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील कुमार चावलानी आपका अपने चैनल भारत दर्शन विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दोस्तों पता ही होगा, हमने जो अभी उत्तराखंड टूर ख़त्म किया है उसी के लिए हम आज बात करेंगे। लोग जाते हैं पहाड़ों पे, कुछ प्री प्लानिंग करके ही जाना चाहिए कई चीज़ों का। हमने अभी शॉर्ट टूर किया था कुमाऊँ रीजन का। उत्तराखंड में दो रीजन होते हैं, गढ़वाल और कुमाऊँ। हमने जो किया था कुमाऊँ में, जो नैनीताल साइड का एरिया है। अब प्री प्लानिंग की क्या तैयारी होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। आप टूर पे जाते हैं, अधिकतर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं जिसमें लेडीज और बच्चे भी रहते हैं। पहले हमें मेडिसिन की एक प्लानिंग करके जानी चाहिए कि पहाड़ों पे चढ़ते सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उल्टी वगैरह की। वो हमें पहले ही डॉक्टर से कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम पहले ही पहाड़ों से चढ़ने से पहले यूज कर लेते तो हमें उल्टी वगैरह की इनकी प्रॉब्लम, जी मचलना वगैरह इनकी वगैरह, वोमिटिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ये चीज़ों का हमें प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हमारा कुमाऊँ रीजन में जो मैदानी लाश इलाका था वो हल्द्वानी का है, काठगोदाम का है, एक ही बात है, दो सिटियों के बीच में 5 से 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। जो वहाँ का रेल नज़दीकी रेलवे स्टेशन होता है वो होता है काठगोदाम लाश। वो काठगोदाम जो है रेलवे लाइन दिल्ली से वगैरह से सभी मेजर स्टेशनों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो हम वहाँ से, मेरा मानना यह है कि हम पहाड़ी रस्तों का जब भी सफ़र करते हैं तो हमें अपनी टैक्सी सर्विस ज़्यादा लेनी चाहिए, तभी हम घूम सकते हैं। दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है मेन कि नैनीताल आज के टाइम पे इतनी भीड़ भड़ाके वाला इलाका हो गया है कि कई लोगों को बस नाम है हम नैनीताल गए पर मज़ा वो नहीं है। पर मैं फिर भी कहूँगा आप नैनीताल जाएँ, एक दिन ज़रा ज़रूर घूमिए, साइट सीन करिए, बाकी आसपास के लोकल एरिया घूमिए। सेकंड डे आप अल्मोड़ा जाइए, कैंची धाम घूमते हुए अल्मोड़ा जाइए, वहाँ पर कसार देवी टेम्पल देख के शाम को आप अल्मोड़ा का वेदर इन्जॉय कीजिए, रात को वहीं स्टे कीजिए, आपको अलग आनंद आएगा। नेक्स्ट डे सेकंड डे, फर्स्ट डे आप जिस दिन काठगोदाम उतरेंगे उसी दिन आप नैनीताल जाइए, वहाँ रुकिए। सेकंड डे आप नैनीताल साइट सीन लोकल टूर कीजिए। थर्ड डे आप कैंची धाम होते हुए अल्मोड़ा रुकिए, वहाँ पे कसार देवी टेम्पल भी देखिए उसी दिन, और नाइट में आप मार्केट, लोकल मार्केट और वेदर का इन्जॉयमेंट कीजिए। फोर्थ डे आप कौसानी के लिए निकले जिसमें रास्ते पर आप सूर्यदेव कटारमल टेम्पल, जो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, वह दर्शन करते हुए आप कौसानी से 2 किलोमीटर पहले कट लेफ्ट हैंड के लिए यू टर्न लेना पड़ेगा, जहाँ आप रुद्रधारी टेम्पल, रुद्रधारी वाटरफॉल को एंजॉय करेंगे। वहाँ से होते हुए रात को आप कौसानी रुकिए, लोकल मार्केट और लोकल आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे आप 6th डे अपने होम टाउन के लिए आ सकते हैं। इसमें आप कुमाऊँ रीजन का बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे। दोस्तों ये मैं चाहता था कि मैं अपनी कोई भी थोड़ी जानकारी जो मैंने अभी इकट्ठी की है वो आपके साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैंने आपको शेयर करा। मेरा मानना है आप जितना भी पहाड़ी इलाकों में घूमेंगे, काठगोदाम पार होने के बाद आप टैक्सी सर्विस ज़्यादा लेंगे तभी आप अच्छी तरह घूम पाएंगे। और आपको आगे जितने भी नैनीताल से होटल्स रूम है वो आपको वहाँ पे 700 से 1000 के बीच में जरूर, अल्मोड़ा में जरूर आप कसार देवी टेम्पल के नज़दीक आप रूम लेंगे तो बहुत महंगा है, पर जैसे अल्मोड़ा के अंदर आप घुसते हैं एक दो वहाँ पे मॉल्स हैं उसके जस्ट पास में कुछ होटल्स हैं, वो सस्ती रेंज के होटल हैं। बाकी आप अंदर जाएंगे और भी कसार देवी टेम्पल पहाड़ों में लेंगे तो वो थोड़ा सा हैवी। एक मैंने होम स्टे के बारे में बताया था, ललित होम स्टे, वो उस आप होम स्टे में एक बार को रूम लेंगे तो वो रीजनेबल है, अच्छे रूम से, सुंदर रूम से, सफाई वाले स्वच्छ रूम है। कसार देवी टेम्पल से 3 से 3.5-4 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है, आप वहाँ पे भी उसकी सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप कौसानी जा सकते हैं, या आप रुद्रदाई टेम्पल को घूमते हुए आगे आप कौसानी वाला टूर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप नैनीताल नहीं जाना चाहते हैं तो काठगोदाम से एक राइट हैंड पे रास्ता कट जाता है, जो कि नैनीताल रूट पे चलते ही राइट हैंड पे रास्ता है, सीधे आपको कैंची धाम होते हुए अल्मोड़ा जाना पड़ेगा। कई लोग नैनीताल जाके भी थक जाते हैं कि नैनीताल हम नहीं जाएंगे, वो अपना टूर 3 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट डे सीधे कैंची धाम दर्शन करके अल्मोड़ा रुक सकते हैं, सेकंड डे अल्मोड़ा घूमते हुए सूर्यदेव कटारमल घूमते हुए सीधे रुद्रदेवी टेम्पल होते हुए कौसानी रुक सकते हैं, थर्ड डे कौसानी से घूमते हुए रात तक अपने होम टाउन आ सकते हैं। ये जानकारी थी दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे इस चैनल को आप पसंद करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है कमेंट से, और लाइक और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।